अपने वार्ड को स्मार्ट और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से लगाए गए 38 कैमरे पुलिस व प्रशासन के भी काम आ रहे हैं, लेकिन पार्षद को इन कैमरों का मेंटेनेंस भारी पड़ रहा है। इन कैमरों की मदद से वार्ड के चप्पे चप्पे पर सफाई के साथ साथ सुरक्षा पर भी नजर रखी जा सकती है। बढ़ती आपराधिक घटनाओं में गली मोहल्ले की सुरक्षा के साथ ही सफाई व्यवस्था वर्तमान में चुनौती बनी हुई है, इसलिए वार्ड संख्या 18 की पार्षद पिंकी बालोटिया और पूर्व पार्षद उनके पति चंद्रशेखर बालोटिया के द्वारा 38 कैमरों से वार्ड में सुरक्षा कवच बनाया गया। इस दौरान तमाम गलियों व चौराहों के साथ साथ कच्ची बस्तियों में कैमरे लगाए गए, जिनकी मदद से आपराधिक घटनाओं पर नजर रखने के साथ साथ सफाई व्यवस्था पर भी निगरानी रखी जाती है। पूर्व पार्षद चंद्रशेखर बालोटिया ने बताया कि परिसीमन से पहले उनका वार्ड 19 हुआ करता था, तब उन्होंने मेयर धर्मेंद्र गहलोत के कार्यकाल में क्षेत्र में यह कैमरे 3.5 लाख की लागत से नगर निगम के सहयोग से लगवाए थे। 2 साल तक इसका मेंटेनेंस भी नगर निगम द्वारा उठाया गया, लेकिन अब नगर निगम द्वारा इसका मेंटेनेंस नहीं उठाया। ऐसे में इस व्यवस्था को संभालना अब पार्षद के लिए भारी पड़ रहा है। वार्ड संख्या 18 में लगे CCTV कैमरे न सिर्फ सफाई व्यवस्था में कारगर है, बल्कि इनसे आपराधिक घटनाओं पर भी अंकुश लगा है। साथ ही देर रात तक महिलाओं और बच्चे बेझिझक वार्ड में घूम सकते हैं। वर्तमान पार्षद पिंकी बालोटिया ने बताया कि 2 साल पहले इस वार्ड में यह कैमरे स्थापित किए गए थे, लेकिन परिसीमन के बाद 6 कैमरे वार्ड संख्या 19 में चले गए, वह भी यहीं से संचालित किए जा रहे हैं। कैमरे के माध्यम से रमेश स्टेशन, मल्लूसर्ग, प्रभात मोहल्ला, रेगर बस्ती, धूली बस्ती सहित अलग अलग क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से लगे हैं, जिसकी वजह से कई समस्याओं का समाधान सामने आया है। अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में से केवल 2 में ही पार्षदों की मांग पर CCTV कैमरों की व्यवस्था की गई, जिससे क्षेत्रवासियों को काफी मदद मिली है। आपराधिक घटनाओं के साथ साथ लड़ाई झगड़े व अन्य घटनाएं भी इन कैमरों की वजह से रुकी है और निरंतर सफाई व्यवस्था भी क्षेत्र में नजर आ रही है। ऐसे में जिला पुलिस प्रशासन व नगर निगम को इनका जिम्मा उठाना चाहिए और प्रत्येक वार्ड में ऐसी व्यवस्था हो इसलिए प्लान बनाना चाहिए, जिससे कि शहर स्मार्ट होने के साथ साथ सुरक्षित भी रह सके। कैमरों से सर पूर्व में भी काफ़ी फायदा था, अब भी फायदा है। जैसे महिला हो, आप नाइट में देखोगे कि खाना खाने के बाद आसपास कोई पार्क नहीं है, पर रोड पे ही महिला काफ़ी निर्डर से घूमती है, भाई कैमरे लगे हुए। नाइट में देखोगे जैसे 10-11 बजे समथिंग आप आके देखो, महिला घूमती रहती है, वॉक करती है, निकलती है, क्योंकि उनके मन में डर नहीं है भाई मैं इतनी लेट क्यों रोकती हूँ। कच्ची बस्ती है, उसके बावजूद भी महिला बेखौफ होकर आराम से घूमती है। सफाई व्यवस्था हम कैमरे में देख लेते हैं, जैसे पास ही में अपने डिपो है, भाई साफ हुआ या नहीं हुआ, लेट हो गया या तो हम संपर्क करते हैं, भाई लेट कैसे हो गया, कारण पूछते हैं भाई, और उनको कहते हैं भाई आप जल्दी सफाई करवाओ, थोड़ा सा भी लेट सेट हो तो पता चल जाता है भाई, लापरवाही का मौका नहीं मिलता। गंदगी को भी लगातार आप जी हाँ, हम गंदगी को मॉनिटर करते हैं। अदरवाइज जैसे कि कोई भी मन चले खड़े नहीं हो रोड पे, वो भी देखते हैं, जाके उनसे भी कहते हैं भाई आप मत खड़े रहो, ऐसे कुछ भी इनोसेंस होने नहीं देते। आपका नाम? मेरा नाम पिंकी बालोटिया। कब लगाए थे कैमरा, किस तरह का फ़ायदा जनता को मिला, आपको किस तरह से राहत मिली? बहुत सी मैंने पिछले कार्यकाल में, धर्मेंद्र जी वाले कार्यकाल में हमने लगाए थे, तो अजमेर पूरे 80 वार्डों में सिर्फ 2 ही जगह लगे हुए हैं, एक तो अनीश जी के जो पूर्व पार्षद हैं और एक अभी वर्तमान में मेरे ये लगे हुए। हमने उस टाइम में 32 और 40 कैमरे के समथिंग हमने लगाए थे, तो अभी 6 तो 19 नंबर वार्ड में चल गए और बाकी कैमरे मेरे वार्ड में चल रहे हैं 36 कैमरे। लेकिन जब से लगाया है, जब से 2 साल तक तो निगम ने मेंटेनेंस किया, देख रेख, लेकिन उसके बाद में अभी इनको संभालना काफ़ी भारी है कैमरों को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निगम प्रशासन को या जिला कलेक्टर को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो अभी वर्तमान में जो 2-2 हज़ार रुपये महीने का मेंटेनेंस आता है, छोटा मोटा कोई भी मेंटेनेंस आता है, तो वो खुद वहन करें और ऐसी योजना अन्य वार्डों में भी हो, जिससे रात को पब्लिक 10 बजे 11 बजे महिला आराम से जावे और अपने आप को सिक्योर महसूस करे। चोरी चकारी कभी भी ऐसा, जब से मैंने कैमरे 2-2.5 साल से लगाए, आप आसपास के संबंधित थानों में पूछ लो, मुश्किल से गिरावट इतनी आई है, 100 में से 2-5% ऐसा हुआ है। उसके बाद में आपको एक ये चीज़ भी है कि आपको फुटेज मिल जाती है चोरी की, अभी जैसे बीच में बैटरियों की चोरी खुली थी, काफ़ी लंबे स्केल पर खुली थी, तो मेरे यहीं से कैमरों में
स्केचअप हुआ था, वो फिर डर रहता है लोगों के अंदर कि भाई नहीं कैमरे लगे हुए हैं, कोई इनोसेंस करते हैं तो कैमरे में आ जाएंगे, तो उस वजह से। इसलिए एक तरह से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ अभय कमान वाले लगे हुए हैं वहाँ ठीक है, लेकिन वार्डों के अंदर भी ऐसा सेफ्टी पॉइंट होना चाहिए जिससे आपको एक तो साफ़ सफाई की व्यवस्था आपसे कैमरे में मालूम चल जाएगा, एक जो इनोसेंस फैलाने वाला है, फिर सबसे बड़ी वाली महिला शक्ति। महिला शक्ति रात को 11:30 बजे खाना खा के वॉकिंग पे निकलते हैं या कभी भी रात बरात आवे तो ऐसी कोई डर वाली बात नहीं। कितने कैमरे लगाए हैं और कितना फ़ायदा आप देखते हैं आप तक के? जब से मैंने कैमरे लगाए 2.5 से 3 साल हो गए बॉस, उसके बाद में फ़ायदा इतना है कि इनोसेंस तो ना के बराबर है, कोई एक आध अगर कोई हो तो उसका नहीं कह सकता, बाकी इनोसेंस बिल्कुल बंद हो गया। सबसे बड़ी बात है कि लड़े झगड़े करते हैं ना लोग बाग, जैसे बस्तियों में कैमरे लगे हुए हैं तो उनको डर ये रहता है कि यार लड़े झगड़े कर रहे हैं तो कैमरे यार लग रहा होगा, कहीं साइड में चलो ये चलो, तो वो एक सबसे बड़ा ये हो गया कि उस चीज़ पे भी अंकुश लगा और पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। समय समय पर अगर पुलिस को ज़रूरत पड़ती है, जैसे कलेक्टर थाना उसरगेट है, भगवानगंज वाले भी, अगर उनको कुछ अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, अगर क्लिपिंग उनको चाहिए होती है। सामाजिक संस्थाओं से भी संपर्क करें अगर कोई कैमरा आप? अगर सामाजिक संस्था वार्ड में है, व्यापारी मेन रोड पे लगा रखे हैं, व्यापारी देख रेख तो करते हैं, तो भाई हालांकि पहले स्टार्टिंग में लगाया था तो एक ये डर था मन में कि यार कैमरे चोरी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उस टाइम में चिन्मय जी ने काफ़ी मना किया था, बोले हम कैमरे नहीं लगाएंगे कि चोरी हो जाते हैं, आपके यहाँ ऐसी बस्तियाँ हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी का ये बड़प्पन है, उन्होंने राजनीतिक स्तर से ऊपर उठ के कांग्रेस बीजेपी नहीं करते हुए बोले कि नहीं इस बस्ती में लगना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र जी पहले यहाँ से पार्षद थे जब मैं उनके सामने चुनाव लड़ा था, तो उस टाइम में तो उनको यहाँ की एक्चुअल स्थिति, वास्तविक स्थिति धरातल वाली मालूम थी। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर है, पूर्व पार्षद और वर्तमान में भी मेरी पत्नी है वहाँ। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।